इधर अजरबैजान आर्मेनिया की जंग पर आखिर कल क्या फाइनल फैसला होगा? अजरबैजान से क्यों नाराज हुआ ईरान? महायुद्ध में कब उतरेगा रूस? ग्लोबल युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी बड़ी खबरों को आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। आर्मेनिया अजरबैजान जंग पर कल फाइनल फैसला हो सकता है। कल अमेरिका, रूस और फ्रांस की संयुक्त बातचीत होगी, यानी कल आर्मेनिया अजरबैजान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल तीनों महाशक्तियां इस भीषण युद्ध का कोई न कोई समाधान तलाश सकती हैं। अजरबैजान को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लास्ट वार्निंग देकर चेताया है। आर्मेनियाई इलाके पर हमला हुआ तो रूस को जंग में उतरना पड़ेगा और फिर युद्ध पुतिन स्टाइल में होगा। इससे पहले पुतिन ने तुर्की को भी युद्ध से दूर रहने के लिए कहा था। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने चेतावनी दी है कि अगर आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग खत्म नहीं होती तो पूरे इलाके में लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। जंग में तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा है तो रूस और ईरान आर्मेनिया की मदद कर रहे हैं। आर्मेनिया के साथ चल रहे जंग में अजरबैजान की तरफ से दागे जा रहे रॉकेट ईरान के इलाकों में जाकर गिरे। अजरबैजान ने इसके लिए ईरान से माफी मांगी है। अजरबैजान का कहना है कि गलती से उसके रॉकेट ईरान की जमीन पर गिरे। अजरबैजान ने कहा कि उसके सैनिकों से आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आर्मेनिया के खिलाफ चल रही जंग को लेकर अजरबैजान अब इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा है। अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया ने उसके इलाके पर कब्जा किया है और आर्मेनिया से कब्जा छुड़ाने के लिए वो जंग कर रहा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। अजरबैजान ने कहा कि वो आर्मेनिया के साथ शांति वार्ता तभी करेगा जब इलाके में जंग खत्म होगी। अजरबैजान का कहना है कि शांति वार्ता में तुर्की को भी शामिल होने का अधिकार है। तुर्की पर जंग में अजरबैजान की मदद करने का आरोप लगता रहा है। अजरबैजान ने आरोप लगाया कि सीरिया और लेबनान के आतंकी जंग में आर्मेनिया की तरफ से लड़ रहे हैं। इससे पहले आर्मेनिया ने आरोप लगाया था कि आईसिस के आतंकी जंग में अजरबैजान की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस भी इस जंग में आतंकियों के शामिल होने को लेकर नाराजगी जता चुका है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार है। चीन से भिड़ने के लिए ताइवान ने अपनी वायुसेना को मजबूत किया है, जिसके लिए उसने इस साल $900 मिलियन खर्च किए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि चीन को किसी भी हिमाकत पर करारा जवाब दिया जाएगा। विश्व युद्ध की आशंका के चलते अमेरिका ने नेवी को और मजबूत करने का फैसला किया है। सबमरीन से अमेरिका समंदर में अपनी ताकत बढ़ाएगा। अमेरिका ने एक साल में वर्जीनिया क्लास के 3 अटैक सबमरीन बनाने का दावा किया है, तो अटैक सबमरीन के घातक बेड़े बनाने का सॉलिड प्लान भी बनाया है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।